हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और अब हम सीखेंगे न्यूमेरिकल की सीरीज। अब हम न्यूमेरिकल बनाना आपके लिए सिखा रहे हैं यहां से, और स्टार्ट करते हैं व्यापार खाता को बनाने का। ओके, किस तरह से व्यापार खाता बनता है? तो एक प्रकार से व्यापार खाते का जो नमूना होता है उसके लिए हम सबसे पहले बनाना सिखा रहे हैं। जिस तरह से इस व्यापार खाते के नमूने को बनाएंगे उसी तरह से सारे न्यूमेरिकल्स तैयार होंगे। सबसे ऊपर लिखा जाता है कौन सा खाता? व्यापार और खाता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग और अकाउंट, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर के बना है व्यापार खाता। व्यापार प्लस खाता। व्यापार का मतलब जब हम किसी भी वस्तु को बार बार क्रय करते हैं और उसी को विक्रय करते हैं, और क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि का पता लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार खाता कहते हैं। अब व्यापार खाते को यहां पर लिखा जाता है 31 मार्च 2000, कोई भी तारीख अपनी तरफ से दे देते हैं, नमूना तो नमूना है, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले। ओके, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, वर्ष के लिए, ये लाइन यहां पर जरूर लिखी जाती जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि किस डेट का है। यानी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का मतलब है कि 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2022 तक ये पूरा सत्र हो रहा है। तो यहां पर पहले वाले कॉलम में लिखा जाता है क्या? विवरण। और यहां पर लिखा जाता है रकम। और यहां पर भी लिखा जाता है विवरण। और यहां पर लिखा जाता है रकम। अगर अंग्रेजी में बनाओगे तो विवरण को कहते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, और इसको रकम को कहते हैं अमाउंट। लिखना चाहोगे तो इसमें डेबिट और इसमें क्या लिख दोगे? क्रेडिट। विवरण को फिर से समझ लो कि पार्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट। अब मैं इतनी सरल तरीके से इसको समझाता हूं कि शायद कुछ भी कठिन ही नहीं लगेगा। व्यापार खाता तो आज ही आप सीख जाओगे, गारंटेड। ओके, शुरू से लेकर के लास्ट तक बस इसको एक बार देख लो, समझ लो। देखो, जब भी व्यापार खाता बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम व्यापार में क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। और जब क्रय विक्रय करते हो तो जब अगले वर्ष में जब हम चल रहे हैं तो बाहर पिछले वर्ष का कुछ बिना बिका हुआ माल भी तो होगा। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं कि पिछले वर्ष का बिना बिका हुआ माल जब इस वर्ष में आएगा तो वो हमारा प्रारंभिक रहतिया बन जाएगा। प्रारंभिक रहतिया का मतलब है कि जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे अगले दिन के लिए, यहां पर लिख दीजिएगा। अब हम जब माल बेचेंगे तो हमें और खरीदना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं किराए। जितना क्रय होगा अंदर ही लिख लो, और उसमें से कर दो जितना माल वापस करोगे वो घटा करके, और यहां पर लिख दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम जब व्यापार करेंगे तो एक तो पुराना माल हमारे पास में रखा हुआ होगा, और बेचने के लिए वर्ष भर में कुछ ना कुछ और खरीद करके लाएंगे। जाहिर सी बात है, दो चीजें हो गई, क्लियर हो गया होगा। दो तो 100% पढ़ ही पढ़ रही हैं। ओके, अब एक चीज और यहीं से सीख लो। क्या सीखोगे? प्रारंभिक रहतिया है वो वर्ष के अंत में जाकर के कौन सा रहतिया बन जाएगा? अंतिम रहतिया। ओके, अंतिम रहतिया इधर आ जाएगा। इधर क्रय है तो इसका ठीक उल्टा इधर क्या आ जाएगा? विक्रय आ जाएगा। जैसा क्रय है, विक्रय की धनराशि अंदर और उसमें से वापसी को घटा देंगे जो भी होगी, और यहां पर बाहर कर देंगे। अब हम प्रारंभिक रहतिया, अंतिम रहतिया, क्रय और विक्रय, चार चीजें हो गई। अब कुछ नहीं डालना है, प्रत्यक्ष व्यय डालना है यहां पर। और प्रत्यक्ष व्यय हमारे कौन कौन से होते हैं? देखो, जब हम इस माल को खरीद के ला रहे होंगे या बनवा रहे होंगे तो हमें एक चीज देनी होगी, खूब पूछा जाता है, जिसका नाम है मजदूरी। कहीं पर भी मजदूरी अगर लिखी हुई मिल जाए तो यहां पर लिख दो। और कभी कभी पेपर में मजदूरी तथा वेतन मिल जाता है, बाद वाले पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वेतन तो लाभ हानि में जाता है, लेकिन मजदूरी प्रत्यक्ष व्यय होता है, इसलिए मजदूरी जब साथ में आ गई तो यहीं पर आ जाएगा, ध्यान रहेगा। क्या? मजदूरी, भाड़ा, किस पर? किराए पर। कहीं कहीं पर भाड़ा किराए पर लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं पर बेटा लिखा हुआ होगा भाड़ा आंतरिक के नाम से। आंतरिक का मतलब यही होता है अंदर आने वाला माल, ठीक है, आंतरिक। तो भाड़ा किराए पर दिया हुआ हो तब भी यही पड़ेगा, भाड़ा आंतरिक पड़ा हुआ हो
तब भी यहीं पर पड़ेगा। इसके बाद में एक चीज़ और आ सकती है, ढुलाई। भाई ढुलाई कैसे कहते हैं, जो माल हम खरीद करके ला रहे हैं उस माल को खरीद करके अपने गोदाम तक पहुंचाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब प्रत्यक्ष कहलाते हैं। तो भाई माल खरीदा है तो ढुलाई भी तो देनी पड़ेगी, तो ढुलाई यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, और क्या आ सकता है, अगर हो सकता है कि हम कोई कारखाना चला रहे हों तो कारखाना के व्यय, ठीक है, कारखाना व्यय कहते हैं। कहीं कहीं पर ये उत्पादन व्यय के रूप में भी लिखा हुआ होता है। कारखाने में क्या होता है, उत्पादन ही तो होता है, तो उत्पादन व्यय हो सकता है यहाँ पर लिखना। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, पानी हो सकता है, और ईंधन हो सकता है, ये कहीं पर ये चीज़ें मिल जाएँ वो सब इसी में डाल देना। ठीक है, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहीं पर फैक्ट्री, कारखाना को अंग्रेजी में फैक्ट्री कहते हैं, कारखाना व्यय या फैक्ट्री व्यय अगर कहीं पर लिखा हुआ किसी भी प्रकार के मिल जाए व्यापार खाते में ही डाल देना। इनके अलावा कोई भी एक भी अमाउंट यहाँ पर नहीं पड़ती है, क्योंकि इन सब को पढ़ने के बाद में कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, इसमें कोयला भी आ सकता है, ईंधन में कोयला भी शामिल हो सकता है, कभी कभी रख देता है पेपर में। ठीक है, इसके बाद में क्या करोगे, इधर का टोटल पहले लगाओगे, ना दिख रहा हो तो थोड़ा ऊपर करके इधर का टोटल यहाँ पर लगा लोगे और इधर का टोटल इधर जोड़ोगे। ठीक है, अब क्या होगा, इधर का ज़्यादा होगा इधर का कम होगा, तो जितना कम होगा वही कहलाएगी सकल लाभ की धनराशि। और नी और ले, नीले का मतलब होता है नीचे ले गए, किसमें, लाभ हानि खाते में। इधर की अमाउंट ज़्यादा हो जाए और इधर कम रह जाए तो ये आएगी कौन सी हानि, सकल हानि। ठीक है, तो ये सकल हानि हमारी इधर पड़ जाएगी, ठीक, सकल हानि यहाँ पर पड़ जाएगी, तो इधर का जो टोटल होगा वो इधर लगेगा। यानी ये दोनों जो टोटल हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये बनता है व्यापार खाता, और इससे ज़्यादा सरल तरीके से नहीं बनाया जा सकता। किताबों को मत रोटो, किताबों में तो बहुत अमाउंटें दी होंगी, कम से कम नहीं तो देखो 20 से ज़्यादा एंट्री दी होंगी। बस एक चीज़ याद रखो, क्या याद रखो, प्रारंभिक रहतिया इधर तो अंतिम इधर, क्रय इधर तो विक्रय इधर, और इधर प्रत्यक्ष व्यय और आ जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय कौन से होते हैं, दिमाग लगाओ कि जब हम किसी वस्तु को बना रहे होंगे वो वे प्रत्यक्ष होंगे, या वस्तु को खरीद के ला रहे होंगे तो जब तक हमारे गोडाउन में न रख जाए, इससे पहले कि जितने आपको खर्च महसूस हो बिना समझे वो सब आप व्यापार खाते के डेबिट साइड में डाल देना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, इसी तरह से बनाया जाता है, बिल्कुल मज़ेदार। आगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, देखना आप चुटकी में सॉल्व करोगे और आप ही बताओगे ये कहाँ पर जाएगा। बस इतना समझ लो, सीख लो, कौन से खर्चे आते हैं व्यापार खाते में, बे खर्चे, जिनको हम या तो वस्तु बना रहे हो या खरीद करके अपने ला रहे हो तो गोदाउन तक पहुंच जाए, गोदाउन का मतलब हमारी दुकान तक आ जाए, उससे पहले के जितने खर्च होंगे वो सब व्यापार खाते में पड़ेंगे जाकर के। अब तुम सोचोगे उसके बाद के, अरे उसके सबके बाद के लाभ हानि खाते में पहुंच जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तो रह क्या गया बनाने में। अरे बेचने से संबंधित जितने होंगे लाभ हानि में, खरीदने से संबंधित होंगे व्यापार खाते में, बन के तैयार। कौन कहता है अंतिम खाते टफ है, और ये वो चैप्टर है जो टीचर एक एक महीना डेढ़ डेढ़ महीना ले लेते हैं, फिर भी बोर्ड परीक्षा में या पेपर में सवाल गलत करा देते हैं। अभी तो बहुत ऐसी ट्रिक हैं जो मैं समझाऊंगा, अब हम इसके बाद देखते हैं लाभ हानि खाता, और बहुत देखिए किस तरह से बनाना सिखाते हैं लाभ हानि खाते को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले।